होता है, ये
एक्चुअल में फॉर्मूला इससे बना हुआ है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स से मान लें, या फिर आप लोगों ने ये पढ़ा है बी बराबर होता है 1/4 πε0 क्यू अपॉन आर होता है, और ई बराबर होता है 1/4 πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इन दो फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर देंगे तो बाकी चीज सब कट जाएंगी और ये रिलेशन आ जाएगा। तो पहले हमें वैल्यू पता है, ई की वैल्यू कितनी है 100 है, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 है, और अपॉन में आर वगैरह हमें पता नहीं है। इस प्रकार से आर इक्वल टू आएगा 50 अपॉन 100 आएगा, और इसे काट देंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर। तो आर की वैल्यू आ गई। तो अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बता दी है, हमसे किसी एक फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास v इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ये वैल्यू हम क्या करते हैं, v की वैल्यू है वो कितनी है 50 है, 1/4 πε0 की वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ है, और k की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और r की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इक्वल टू आएगा 0.5 से मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 50 में हो जाएगा, अपॉन में 9 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.0 अपॉन में 9 × 10⁹, और 9 से जो है इसे क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.8 something × 10⁻⁹ किलो। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, चार्ज की वैल्यू भी आ गई, आर की भी वैल्यू आ गई, चार्ज की भी वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। ये हमारे दूसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्वेश्चन, और क्या करना है बता, पॉइंट दिए गए हैं वो कौन से हैं, पॉइंट 2.0। 2.0 होने का मतलब इसकी ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो अभी हमने आप लोगों को लिखा था कि बराबर क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा उद्भव प्रवणता वाला फॉर्मूला है इसी को हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखते हैं, इक्वल टू माइनस से आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस सॉरी माइनस से और डेल अपॉन डेल वाई डेल वी डी माइनस से और डेल वी अपॉन डेल जेड। तो ये हमारा क्या होगा, वैल्यू चेंज के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है फॉर्मूला है। तो इसे हम रखेंगे तो इसमें ना तो वाई है हमारे फंक्शन में और ना ही क्या है बता जेड है फंक्शन में, तो वाई और जेड के सापेक्ष जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो। तो मिलाकर हमारे केवल इसके सापेक्ष मतलब रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, वो हमें करना है एक्स के सापेक्ष, एक्स के रिलेटेड डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ बी की वैल्यू हम करेंगे वो क्या है 4x² + 4 और इसकी जो माइनस आई है और डेल अपॉन डेल एक्स जब इसका करेंगे बता डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा कितना बता 8x, ठीक है 8x अगर करेंगे और एक्स की वैल्यू कितनी है दी गई है बता पॉइंट में
करेंगे तो e इक्वल टू आएगा माइनस के आई कैप इंटू एट इंटू टू। एट इंटू टू का मतलब होता है पता कितना 16, तो ये हो गया 16 आई कैप। e इक्वल टू माइनस के 16 आई कैप हो गया और ये हमारा क्या आ गया बता इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये हमारा किस में है बता हमारा ये सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी है और इसे अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट इसे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट में आई पी गुणांक का वर्ग यानी माइनस 16 का वर्ग और जे और के अगर होते तो वो भी लेते हम सब में और ये कितना हो जाएगा बता आएगा 16 कितना आएगा 16 आंसर हो जाएगा और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। आप लोग सवाल इस लेसन में तैयार करें।